जय माता दी। तो दोस्तों मैं सुनील उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, कल से चैत्र की नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि 13 तारीख से शुरू होकर 21 तारीख तक चलेंगी। और कल सिंधी भाइयों का चेटीचंद भी है, तो इसलिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि की और चेटीचंद की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो नवरात्रि से संबंधित है, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि यानी कि 9 दिनों की रात्रि जिसे बोला जाता है, जो कि शक्ति का पर्व है, जिसमें हम माँ अम्बे की यानी कि दुर्गा की आराधना करते हैं। और आप सभी जानते हैं बिना शक्ति के किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और हिंदू जो हमारा जो धर्म है, उसका कल से नया कैलेंडर शुरू हो रहा है, यानी कि नया साल शुरू हो रहा है। तो उस आप सभी को नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कलश स्थापना कैसे करेंगे और शुभ मुहूर्त का समय कितने बजे का है। और जैसा कि आप जानते हैं 9 दिनों में माँ के जो 9 रूप हैं उनकी पूजा होती है, जिसको आप दुर्गा शब्द सदी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मगर इसमें मैं कुछ खास मंत्रों के बारे में भी बताऊंगा, जिसको करके आप अपने जीवन से सारी समस्याओं से निकल पाएंगे और अपनी शक्ति को आप बढ़ा पाएंगे और आप माँ दुर्गा से अपना आध्यात्मिक जो कनेक्शन है वो जोड़ पाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, तो आपको घर वगैरह साफ कर देना है, सुबह जल्दी उठ के नहा लेना है और नहाने के बाद आपको अपने मंदिर को साफ करना है। मंदिर को साफ करने के बाद दोस्तों आपका जो समय है, जो शुभ मुहूर्त है, वो दो है। पहला जो है वो सुबह 5:28 से शुरू होकर 10:14 का है, और उसके बाद दूसरा जो घट स्थापना का दूसरा जो मुहूर्त है दोस्तों, वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। तो आप सभी से मैं यही बोलता हूँ कि ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इसी में यदि आप घट स्थापना करें तो काफी अच्छा रहेगा। आप नवरात्रि के पहले दिन से 9 दिन के लिए अखंड दिया भी जला सकते हैं और आपकी कोई भी इच्छा है वो माँ को बोल सकते हैं कि मैं इस इच्छा के लिए अखंड दिया जला रहा हूँ, या बिना इच्छा के भी आप अखंड दिया जला के रखें 9 दिन तक। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है उसका दोस्तों समय है 11:56 से लेकर दोपहर के 12:47 तक, यानी कि 11:56 से 12:47 तक है। तो ये दो मुहूर्त है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभिजीत मुहूर्त में आप घट स्थापना करें, या जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। 22 तारीख को नवरात्रि का समापन होगा, जिस दिन गुरुवार है। तो दोस्तों आप नहा धो के क्या करेंगे, आप तांबे का एक लोटा लेंगे, तांबे के लोटे में आप रोली से स्वस्तिक बनाएंगे और तांबे के लोटे में गंगा जल युक्त जल आप भर देंगे। उसमें आप पान डालें, सुपारी डालें, अक्षत डालें, हल्दी डाल सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध डाल दें। उसके बाद आप ऊपर से 5 आम के पत्ते लगा दें और उसमें कटोरे में चावल भर दें और उसके ऊपर एक नारियल को, श्रीफल को रखें। श्रीफल को दोस्तों लाल चुनरी से मौली से बांध कर रखें। तो ऐसे करके आपको ये जो दुर्गा माँ है उसके राइट साइड पर आपको कलश की स्थापना करनी, यानी कि जब आप बैठेंगे तो आपके लेफ्ट साइड होगा और माँ के वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे होगा। उसके बाद दोस्तों आप पूजा करेंगे, जो भी आप पूजा करना चाहते हैं। पूजा में दोस्तों सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा के बाद आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। उसमें आपको सब कुछ लाल ही लेना है, क्योंकि शक्ति का जो रंग है दोस्तों वो लाल है। शक्ति का संबंध किससे, लाल रंग से। इसलिए माँ को लाल चुनरी, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, उनको श्रृंगार की वस्तुएं उनको माँ को चढ़ाइए और लाल चुनरी आप माँ को चढ़ाइए। उसके बाद आप घी का दिया जलाएंगे, जो कि आप 9 दिन तक लगातार जला के रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों दुर्गा की जो पूजा है उसके लिए सबसे जो श्रेष्ठ पाठ है उसे बोला जाता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो दुर्गा सप्तशती में दोस्तों 13 अध्याय है, आप चाहे तो 9 दिन तक लगातार 13 अध्याय कर सकते हैं। यदि आप 9 दिन तक 13 अध्याय नहीं कर सकते तो 7 दिन में आपको 13 अध्यायों को समाप्त करना है। आप चाहे तो रोज 13 अध्याय करिए, रोज 13 अध्याय का समय नहीं है तो आप 7 दिन में 13 अध्याय समाप्त कर लीजिए अपने समय अनुसार। और आपको दोस्तों उसके अलावा आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करें, यानी कि आप चाहे तो 9 दिन व्रत भी कर सकते हैं, कई लोग 7 दिन रखते हैं व्रत, कई लोग 9 के 9 दिन रखते हैं। 7 दिन आप व्रत रखेंगे तो 8वें दिन आप उद्यापन करेंगे, तो जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन 5, 7 या 9 कन्याओं को खाना खिलाएं, उन्हें वस्त्र दान करें, उन्हें थोड़ा लक्ष्मी भी दान करें और उनको पांव छुएं और उनका आशीर्वाद लें। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं नवरात्रि में नवान मंत्र बहुत ही पावरफुल है। नवान मंत्र का यदि आप रोज मंत्र जाप करें, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी माला कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं, 1 के बाद 3, 5, 7, 9 इस क्रम में करिए। तो आप उसे रुद्राक्ष की माला से करिए, यदि आपके पास लाल चंदन की माला पड़ी है तो लाल चंदन की माला से नवान मंत्र का जाप करें, जैसा कि शब्द से ही विदित होता है। नवान यानी कि 9 बीज वाला मंत्र।
हमारे ग्रह भी कितने हैं दोस्तों, 9 हैं। यदि आप नवान मंत्र का जप करते हैं, यदि आप इन 9 दिन में यदि 1,25,000 मंत्र कर लेते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि 9 दिन में माँ की शक्ति बहुत ही पावरफुल होती है। यदि आप 1,25,000 भी नहीं कर सकते तो अपनी इच्छा अनुसार डेली 11 माला करिए और अपनी इच्छा से करिए। नवान मंत्र क्या है, एम रिम क्लिम चामुंडाई विचे, एम रिम क्लिम चामुंडाई विचे। तो दोस्तों इसमें जो एम है वो माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, जो कि वात बीज बोला जाता है। रिम जो है वो महालक्ष्मी का बीज है और क्लिम महाकाली का बीज है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में ज्ञान रूपी ऊर्जा हो और आपके जीवन में लक्ष्मी रूपी ऊर्जा हो और जो कि काली जो है सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने वाली देवी है, यदि ये तीनों आपके साथ हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों नवांड मंत्र का रोज जाप करिए। यदि कई लोगों को नवांड मंत्र क्लिष्ट लगता है यानी कि कठिन लगता है तो वो इसकी बजाय ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो दोस्तों आप इन दोनों मंत्रों का जाप करिए और आप पाएंगे कि आप जब ये नवरात्रि को इस तरह से मनाएंगे तो आपके जीवन में आपको सुख सफलता समृद्धि मिलेगी। और जिस दिन आप उद्यापन करें वो जो कलश वाला पानी है पूरे घर में छिड़क सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो अपने खेत में वो डाल सकते हैं, आप पशु पक्षी के वहां पर भी छिड़क सकते हैं, अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बाकी जो बचा हुआ पानी है उसे आप कोई भी पेड़ पौधे में चढ़ा दें। ऐसे करके आप इस नवरात्रि को मनाइए। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर करिए और आप सभी को वापस से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और चेटी चंद की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और समस्या के समाधान के साथ। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए, नया नया सीखिए, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और सफलता के चरम को छूइए, क्योंकि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद, नमस्कार।